हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एमपी की एक ट्रेडिशनल फोक आर्ट जैसे कि गोंड यानी कि हमारी द्रविड़ जो प्रजाति है उनकी एक आर्ट है और इसको हम सीखने वाले हैं। तो किस तरह से बनाना है, इसमें क्या करना है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। ये एक तरह की बहुत ही पुरानी हमारी ट्रेडिशनल आर्ट है जिसमें क्या होता है कि एनिमल्स और बर्ड्स को ज़्यादातर बनाया जाता है। इसमें ह्यूमन के साथ उनका कनेक्शन कैसा होता है वो दिखाया जाता है। बहुत ही वाइब्रेंट कलर का यूज़ किया जाता है और इसमें बैकग्राउंड ज़्यादातर प्लेन किया जाता है, यानी कि वाइट रखते हैं या फिर कोई कलर से कलर करते हैं, लेकिन इसमें पैटर्न या डिज़ाइंस नहीं बनाते। और इसी तरह से जो एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, एक एलिमेंट्स में से दूसरे एलिमेंट्स किस तरह से कनेक्ट करके बनाए जाते हैं, ये एक इसकी आर्ट है। तो हम इसी के बारे में आज देखेंगे, कैसे बनाना है वो सीखेंगे। बिल्कुल जो बिगनर सीख रहे हैं वो भी आसानी से सीख सकेंगे, इतना ईजी मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम सीखते हैं कि किस तरह से ये गोंड आर्ट बनाई जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे A4 शीट का एक पेज ले रही हूँ। आप अपने पास जो भी अवेलेबल है उतने एक साइज़ का पेज ले लीजिए, पेंसिल इरेजर ले लीजिए। सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी है फिगर। तो फिगर में ज़्यादातर इसमें ह्यूमन और गॉड गॉडेस की आकृतियाँ गोंड पेंटिंग में बहुत कम होती है, जो कि हम मधुबनी में देखते हैं। इसमें बाउंड्री भी नहीं करते ज़्यादातर, और प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर हम किसी बर्ड्स का, ट्री का और एनिमल्स के फिगर बनाते हैं और एक फिगर में से दूसरी फिगर कनेक्ट होती है। तो इस तरह की फिगर आप पहले तो सर्च करके बना लीजिए आपके दिमाग में जो भी आती है। मैं यहाँ पे एक बड़ी सी फिश बनाने वाली हूँ। देखिए इस तरह से एक बड़ी सी फिश मैंने बनाई है और उसी के टेल में से मैंने एक ट्री का स्ट्रक्चर दिया है और एक स्नेक जैसी बड़ी फिश उसके ऊपर लिपटी हुई दिखाई है और ट्री की ब्रांच में से दूसरी दो फिश बन रही हैं और ऊपर मैंने बर्ड बता दिया है। एक सिंपल सी मैंने फिगर मेरे दिमाग में जो आई है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। आप आपको जो भी इजी लगता है वो स्टेप फॉलो कीजिए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले हम कॉम्प्लिकेटेड ड्रॉ करेंगे, आसान स्टेप्स लीजिए जो आप फॉलो कर सकते हैं। फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं सबसे पहले बैकग्राउंड बनाऊँगी और ये भी ऑप्शनल है, आप पहले सभी ऑब्जेक्ट में कलर भरती और उसके बाद बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। मैंने एक इस तरह का स्किन, डार्क स्किन कलर बनाया है, जैसे ब्राउन में बहुत सारा वाइट मिला के हम बनाते हैं, ऐसा ही मैं एक मिट्टी जैसा कलर को बैकग्राउंड पहले दे रही हूँ। तो राउंड ब्रश लीजिए, जो भी गैप छूटती है उसमें आप धीरे से बहुत ही और टाइम लेके आप अच्छे से बैकग्राउंड फिल अप कीजिए ताकि ऑब्जेक्ट्स में अपने कलर ना जाए, ठीक है। आप जिस भी तरह कंफर्टेबल है, अगर आपको पहले ऑब्जेक्ट में कलर करके बैकग्राउंड करना है तो बेशक आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट्स में कलर भरने वाली हूँ, देखिए, ठीक है। और इसके लिए मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, वो वहाँ पे भी हम वाइब्रेंट कलर यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो लोग भी वाइब्रेंट कलर ही गोंड पेंटिंग में यूज़ करते हैं। तो आप भी कोई भी ब्राइट जो भी कलर्स आपको पसंद है इस तरह से लेते जाइए और पूरी फिगर्स में देखिए इस तरह से फिलअप करते जाना है हमें। ब्राइट कलर का यूज़ कर सकते हैं आप। जो भी आपके मन में आ रहे हैं वो कलर्स आप पूरे ऑब्जेक्ट्स में धीरे धीरे करके भरते जाइए। एक बार कलर हो जाने के बाद भी हमें उसके ऊपर कुछ डिज़ाइंस बनानी है जो कि गोंड पेंटिंग में बनती है वो उस तरह की। इसके बैकग्राउंड में हम कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, हालांकि गोंड पेंटिंग में नहीं बनती है। आप पहले ही ऑब्जेक्ट्स को बाउंड्री देकर उसमें कलर भर सकते हैं, मैं इसमें बाउंड्रीज बाद में देने वाली हूँ। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि हम पहले बाउंड्री बनाएंगे उसके बाद कलर फिलअप करेंगे, आप पहले कलर फिलअप करके भी बाउंड्रियाँ बना सकते हैं, ठीक है। देखिए सारे कलर्स मैं ब्राइट चूज़ की हूँ और उसी तरह से मैं कलर भरते जा रही हूँ।
ब्रश, राउंड ब्रश, आप जो भी नंबर में कंफर्टेबल है वो लेते जाइए। छोटी जगह है तो कम नंबर यूज़ कर कीजिए। बहुत शांति से कलर भरिए, कोई हड़बड़ाहट ना कीजिए। अभी देखिए इस तरह से करेंगे तो बार कलर जाएगा थोड़ा बैकग्राउंड में, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत आहिस्ते आराम से काम कीजिए ताकि आप पहली बार कर रहे हैं तो कलर मिक्सअप ना हो जाए। आर्ट ये मध्य प्रदेश की है, पर ये बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी ज़्यादातर ये पाई जाती है। और देखिए यहाँ पे हमारा कलर भरने का काम ख़त्म हो चुका है। देखिए मैंने सभी ऑब्जेक्ट्स में अच्छे से मेरे ब्राइट कलर जो मुझे पसंद थे उस तरह से मैंने भर लिए हैं। अब बारी आती है बाउंड्री की। मैं यहाँ पे ले रही हूँ परमानेंट मार्कर और सभी को मैं हाईलाइट कर दूँगी बाउंड्री देकर। यहाँ पे सिंगल लाइन ही बाउंड्री आएगी। देखिए इस तरह से बॉर्डर हम सिंगल लाइन की ही देंगे, इसमें डबल लाइन की बॉर्डर्स नहीं आती है। ये जो मैं कर रही हूँ बीच में डिज़ाइन देने की कोशिश कर रही हूँ। गोन पेंटिंग में जो हम डिज़ाइन भरते हैं उसमें ज़्यादातर लाइनिंग और डॉट्स ही होते हैं। तो देखिए इस तरह से सिर्फ हमें लाइनिंग देते हुए सभी ऑब्जेक्ट्स को फिलअप करना है। मछली के ऊपर हमें डिज़ाइन कर सकते हैं ज़्यादातर, बाकी सभी में इसमें सिर्फ लाइंस और डॉट ही होते हैं। आप जिस भी कलर का यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर से कर रही हूँ। आप कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही पतली वाली जो डबल ज़ीरो से भी 0x2, 0x4 बहुत ही पॉइंटेड जो ब्रश आते हैं उसको आप यूज़ करके एक्रेलिक कलर से उसके ऊपर इस तरह से डॉट और लाइनिंग जो भी आप जहाँ पे बनाना चाहे डिज़ाइन वो सभी ऑब्जेक्ट में फिलअप कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह से स्पेस नहीं छोड़नी है, उसमें पूरा हम डिज़ाइन से फिलअप करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बहुत बेसिक सा गोन पेंटिंग बनाना सिखाया है दोस्तों आपको, बहुत ही ईजी है और जो बिगनर्स है उनके लिए भी ईजी है, वो सीख सकते हैं देख देख के। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इस तरह के गोन पेंटिंग आगे भी आपके साथ शेयर करूँगी और मधुबनी भी हम सीखेंगे ताकि आपके दिमाग में मधुबनी और गोन पेंटिंग के बारे में जो प्रॉब्लम मतलब है कि क्या डिफरेंस है वो भी हम सीखते जाएंगे और हमें दो तरह की ट्रेडिशनल आर्ट भी समझ में आ जाएगी। बहुत ही अच्छी ये आर्ट है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और फ्रेमिंग करने के बाद हमारा पिक्चर और भी बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत अच्छे से सीखे भी होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।